बहुत बधाई आपको विश्वनाथ जी। थैंक यू सर। बड़ी देर से आप प्रयत्न कर रहे थे और अंत में आप विजयी हो गए। जो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं विश्वनाथ महाजन, ये हमारी ही बिरादरी से हैं, एक अभिनेता हैं ये, हाँ, और ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका विश्वनाथ जी। नमस्कार मान्यवर, अभी हमने कहा कि आप हमारी ही बिरादरी से हैं जी, तो किस तरह का अभिनय कर रहे हैं आजकल आप और कहाँ कर रहे हैं? जी अभिनय तो मुंबई में ही कर रहा हूँ और मेरी एज के हिसाब से चाचा, बाबा, ताऊ, जज, वकील, डॉक्टर, इस तरह के रोल्स मुझे मिलते हैं। वही रोल कर रहे हैं जो हमको मिलता है? नहीं सर, आप नहीं नहीं सही कह रहा हूँ मैं, हमको भी यही सब मिलता है। नहीं सर, आप बूढ़े बाबा जी, पुराना कोई जज हो, रिटायर्ड जज हो, डॉक्टर हो जिसकी प्रैक्टिस बंद हो गई है, कोई ऐसे ही कुछ मिलते हैं सर रोल्स आजकल। लेकिन कहाँ पर आप काम कर रहे हैं आजकल? सर ऐसा कोई निश्चित नहीं है, हर जगह पर, कहीं सीरियल में, कहीं फिल्मों में, एड फिल्मों में अलग अलग रोल की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वहाँ पर जो मुंबई में कास्टिंग एजेंट्स रहते हैं उनके थ्रू मैं जाता हूँ और जैसा करेक्टर की डिमांड है वो वहाँ पर रोल में परफॉर्म करता हूँ। तो आपको जाना पड़ता है कास्टिंग डायरेक्टर के पास? नहीं, उनके पास मैंने प्रोफाइल भेज रखे हैं, कभी उनको ऑडिशन की ज़रूरत पड़ती है तो ऑडिशन देने जाना पड़ता है या फिर घर से ही ऑडिशन बनाकर भेज देते हैं जो रोल के रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू दैट उस ऑडिशन के फिर वो रोल देते हैं। ये तो बड़ा साइंटिफिक मेथड हो गया है। नहीं सर, ये मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में मेरे हिसाब से घुसने की या अपने पैर जमाने की पहली सीढ़ी है। हमारे जमाने में तो ये था नहीं, नहीं।, था सर, नहीं था सर, कोई कास्टिंग डायरेक्टर या कोई ऐसे ऑडिशन हो ऐसा कुछ होता नहीं था सर। नहीं सर, आपके समय में सिर्फ फिल्में ही बनती थी, उस समय टीवी सीरियल भी इतने नहीं आते थे, लेकिन अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो लोगों का देखने का जो स्कोप है वो भी बड़ा है, अभिनय का भी स्कोप बड़ा है, बहुत सारे कैरेक्टर्स भी आ गए हैं। ऑलराइट, ओके विश्वनाथ जी, कंपेनियन के रूप में किसे लाए आज आप? सर मेरी पत्नी आई है जी। प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्ते सर, और बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। ऑलराइट, तो विश्वनाथ जी क्या आप हमेशा एक एक्टर बनना चाहते थे? नहीं सर, हमेशा एक्टर नहीं बनना चाहता था मैं। बचपन में जब मेरा पढ़ने की उम्र थी मैं फाइन आर्ट्स में जाना चाहता था। ओके। मैंने काफ़ी ड्राइंग, स्केचिंग में अभी भी करता हूँ, बचपन में काफ़ी शौक था, चित्रकारी काफ़ी की, लेकिन उस समय परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने जॉब सर्च शुरू की और मैं बैंक में आ गया। बैंक में थे आप? ओके। 22-23 साल का था तब मैंने बैंक ज्वाइन की और बैंक ज्वाइन करने के बाद फिर मैं चित्रकारी वगैरह अलग रख दी कि अब तो हम कमाने लगे हैं, तो थोड़ा सा अच्छा। लापरवाह हो गए। उसके बाद बैंक का सफर जारी रहा, बैंक में अलग अलग पदों पे, अलग अलग जगह पे काम किया और जब मेरी पोस्टिंग इंदौर में हुई, मध्य प्रदेश में, मैंने पूरी सर्विस मध्य प्रदेश में की है, मध्य प्रदेश में जब मेरी इंदौर में पोस्टिंग हुई तो इंदौर में थिएटर का काफ़ी स्कोप है, इंदौर में हिंदी, मराठी, बंगला और दूसरी और भाषाओं में भी थिएटर काफ़ी होता है, इंदौर एक कल्चरल कैपिटल कह सकते हैं मध्य प्रदेश। जी बिल्कुल जी। तो वहाँ पर इंदौर में जो है मराठी अभिनय से शुरू किया, फिर हिंदी भी शुरू किया, करीब 15 साल मैंने स्टेज पर अभिनय किया, कॉम्पिटिशन के नाटक होते थे उनमें भी मैं गया, तो अभिनय का शौक वहाँ से सही मायनों में परवान चढ़ा। और उसके बाद जब मुझे लगा कि अब मैंने अभिनय काफ़ी कर लिया है और मैं मुंबई जाकर कुछ कर सकता हूँ, तब मैंने बैंक से VRS लिया और सीधा मुंबई आ गया। वाह, बहुत सारे जितने भी लोगों ने इस ओर ध्यान दिया है, एक्टर बनना चाहते हैं, उनका जीवन कुछ इसी तरह ही रहा है। जी सर, जो शुरुआत में भले आप काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, लेकिन नौकरी जब ख़त्म हो जाती थी समय निकाल करके आप स्टेज पे जाते थे, एक्टिंग करते थे, या कोई ड्रामा चल रहा हो उसमें भाग लेने का प्रयत्न होता था। ऑलराइट, हमारी जो KBC की टीम है वो गई थी आपके पास जी, और उन्होंने एक वीडियो बनाया, हम चाहेंगे कि सब लोग देखें उस वीडियो को। जी जरूर। कैन वी सी दैट वीडियो प्लीज? हाय, मेरा नाम विश्वनाथ महाजन है, मेरी उम्र 59 साल, मेरी ऊंचाई 5'7", मेरे प्रोफाइल्स, पिछले 4 साल से मैं मुंबई में हूँ और यहाँ पर फिल्मों में, वेब सीरीज में और एड फिल्मों में एक्टिंग कर रहा हूँ। तो आप जिस क्या सोच के आए थे आप? आपकी इस गलती से कंपनी को 5 करोड़ रुपए का हर्जाना देना पड़ेगा। एक मौका और दीजिए सर, दोबारा गलती नहीं होगी सर। पत्नी का पूरा सहयोग है,
शुरू में जब मैंने उसे बताया कि अब मैं बैंक छोड़ रहा हूँ, 5 साल मुझे बचे थे, वो बोलती थी कि 2-3 साल और कर लो, लेकिन मुझे वो 2-3 साल भी मैं अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझ रहा था। फिर लास्टली मैंने उसको कहा, जहाँ तक हमारी आर्थिक परिस्थिति है उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है, मुझे अच्छी खासी पेंशन मिलने वाली है। फिर उसने भी इस चीज को मान लिया कि ठीक है, आपको जहाँ अच्छा लग रहा है वहाँ वो काम करो। जब उन्होंने डिसीजन लिया VRS लेने का, प्रेशर मुझे ऐसा लग रहा था आसपास के लोगों का ज्यादा था। चर्चाएं होती थी, अरे अभी क्यों नौकरी छोड़ रहा है, मुंबई जाएंगे, अच्छा मुंबई में तो आपके जैसे बहुत पढ़े। तो इस सब का जवाब देने के लिए मैंने सोचा कि नहीं, अब करके ही दिखाना है अपने को कुछ। मुंबई जब मैं आया, ऑडिशन देना शुरू किए, मैं घर पे आके वाइफ को बताता आज मैंने 6 ऑडिशन दिए हैं। ऑडिशन जब बनते थे तो उसमें दूसरी आवाज जो देनी है उसका काम मेरी वाइफ करती है। ऐसे ही करके काम मिलना शुरू हुआ। आज समझता हूँ कि मैं काफी अच्छी स्थिति में हूँ। सब बहुत से ऐसे प्रत्याशी जो एक्टर बनना चाहते हैं या एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, और उनको रहता है कि हम बम्बई जाएंगे तो हमको नौकरी मिल जाएगी और ऐसे काम करेंगे, उनके अंदर जो एक पैशन होता है उसकी हम सराहना करते हैं और आपकी भी हम करते हैं। थैंक यू सर। लेकिन है बहुत कठिन काम सर जी। तो जितने भी हमारे नौजवान पीढ़ी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जानना चाहेंगे कि क्या होता है फिल्मों में आने में या टीवी सीरियल में आने का, जो एक तो आत्मविश्वास चाहिए आपको, लगन चाहिए और लगन चाहिए, और बहुत जल्दी लोग निराश हो जाते हैं। बिल्कुल, अरे यहाँ तो यार कुछ नहीं होने वाला है ऐसा कुछ। और अगर आपके अंदर वो टैलेंट है और लगन है तो एक न एक दिन आप जरूर सफल होंगे। सर मैं ऑडिशन देने जाता हूँ तो देखता हूँ वहाँ पर कई नौजवान पीढ़ी के लोग भी आते हैं, ऑडिशन देते हैं, तो मुझे लगता है कि इसने क्या ऑडिशन दिया। मतलब ठीक है मुंबई आ गया, घर से बता के आया, भाग के आया, जैसे भी आया, लेकिन ऑडिशन देख के ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अभिनय की 1-2 सीढ़ियाँ चढ़ के फिर आना चाहिए, तो वो जो कॉन्फिडेंस है कैमरे के सामने वो आप में आ जाता है। क्योंकि मैंने थिएटर किया हुआ था तो मुझे यहाँ पर आने से कैमरे से डर नहीं लगा, लेकिन डर इस बात का था कि इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाना, और वो अब मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ। पहले छोटे छोटे 2-2 मिनट के, 1-1 मिनट के रोल मिले, लेकिन अब मुझे बड़े ट्रैक भी मिलते हैं और मैं सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन अभी एक चीज़ की और ज़रूरत है, मुझे एक ऐसा रोल चाहिए जिससे मैं जाना जाऊँ कि हाँ ये विश्वनाथ महाजन है, फलाना जगह इसने एक्ट किया था और बहुत अच्छा। मनोहर आपको बता दें कि आप ऑलरेडी जाने हो गए, आज यहाँ बैठ गए ना। बिल्कुल सर, KBC में आने के बाद तो आज मुझे लाखों लोग देखेंगे। मान सम्मान सब कुछ मिल चुका है आपको, और आपकी जो कहानी है उसे सुन करके बहुत से लोग जो हैं उनके अंदर एक आशा भरी होगी और प्रभावित होंगे वो आपकी इस कहानी से। बधाई आपको शारदेव जी। धन्यवाद सर। तो देवेंद्र सर जी मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं, शानवेंद्र मिश्रा जी, ये एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं और ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका शानवेंद्र जी। कैसा रहा आपका सफर भाई साहब, कुर्सी से हॉट सीट तक आने का? सर मैंने, आपने जो इस प्रोग्राम के स्टार्टिंग में आज लाइंस बताई, आधा ग्लास खाली आधा ग्लास भरा, तो मैंने वही आधा ग्लास आके तुरंत पी लिया और मैंने उसी से मोटिवेशन लिया। और अभी तक सर ये था कि मैं प्ले अलोंग खेलता था, उसकी वजह से मैं फास्टेस्ट सिंगर राउंड तक आया, बट उस सीट से यहाँ तक आने का सफ़र ये बहुत लंबा लग रहा था, क्योंकि सारे 10 कंटेस्टेंट हॉट सीट से सब इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो उस डिस्टेंस को कवर करना सबसे लिए मेरे लिए ज़रूरी था और वो मैंने किया, तो मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को। जी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। कितने साल से प्रयास कर रहे हैं? सर ये 22 सालों का मेरा सफ़र है। अच्छा जी सर, जब से ये KBC 2000 से स्टार्ट हुआ तब से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। उस समय मैं स्टूडेंट था तो कई बार ऐसा होता था कि बिग अमाउंट के क्वेश्चन 50 लाख के 1 करोड़ के मुझे आंसर उसका पता रहता था, तो मैं आंसर देता था तुरंत, तो मेरे जो मौसा मौसी थे जहाँ मैं रहता था तो बहुत खुश होते थे मेरे लिए कि बेटा तुम तो इतने पढ़ने में अच्छे हो, काश तुम भी कभी पहुँचो वहाँ पे। तो तब से मेरा सपना था सर ये, और आज ये जाके पूरा हो रहा है। प्ले लॉन खेल कर आप कभी और भी कुछ जीते हैं क्या? यस सर, प्ले लॉन्ग मैंने जब से 2016 से आपका प्ले लॉन्ग स्टार्ट हुआ KBC का, तब से मैं रेगुलर खेल रहा हूँ। और सर 2018 में KBC से मुझे एक LED TV मिली है जो कि मैंने अपने फादर को गिफ्ट की है, और मेरा घर पूरा KBC उसी TV से देखता है। और सर KBC के 2020 सेशन में मुझे 10,000 का कैश प्राइज मिला है, तो मैं 5 पड़ाव तो वहीं घर से ही पार करके आया हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि 6ठा क्वेश्चन आप
स्टार्ट करें। बहुत बहुत बधाई यार किसान बहन जी, कंपनी के रूप में आप किसे लाए, शायद अपनी पत्नी को लाए हैं आप जी। कंपनी के रूप में मेरी धर्मपत्नी श्रीमती रीनू मिश्रा है जी। और सर यहाँ का जो सफर मेरा है उसे पूरा करने में मुझसे ज्यादा योगदान मैं उनको दूंगा, क्योंकि जैसा ही आप जानते हैं मेरी जॉब में मुझे बहुत कम टाइम मिलता था जो करंट अफेयर्स के साथ में अपडेट रखने के लिए। तो मैं जब ऑफिस जाता था, बच्चे स्कूल जाते थे, वो मेरे लिए प्रिपरेशन करती थी, न्यूज़पेपर से कंटेंट निकाल के नोट डाउन करती थी और शाम को आके मुझे बोलती थी पढ़ो इसको, खाने के बाद टेस्ट लूंगी आपका। टेस्ट मैंने नहीं दिया, टेस्ट में कोई गलत हो गया तो डांट भी पड़ती थी। रेणु जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में, प्रणाम करता हूँ और एक बार तालियों के साथ इनका स्वागत हो जाए। क्या सुर सर, क्या आवाज, ईश्वर की देन। यस सर, और खो दिया हमने इन्हें, लेकिन कितना अद्भुत योगदान रहा है भारतीय संगीत में उनका। एक छोटी सी बात याद आ रही है, एक बार हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं पाकिस्तान, उनसे मुलाकात हुई, ऐसे ही बातचीत चल रही थी तो बोला हमारे पास पाकिस्तान में सब कुछ है, बस दो चीज़ें नहीं हैं। हमने कहा क्या? तो कहा एक ताजमहल और एक लता मंगेशकर। जैसे ही गाना शुरू हुआ आपकी आंखें बंद हो गई और बोल आपकी शुरू हो गई। गाने वाने का काफ़ी शौक है आपको ऐसा लगा? यस सर, मुझे बहुत शौक है गाने का। और जब मेरी मैरिज फाइनल हुई थी तो हम लोगों की मैरिज फाइनल होने और मैरिज होने में काफ़ी गैप था, उस समय मैं कई सारे सॉन्ग मतलब अपनी मिसेज को वाइफ को सुनाता था फ़ोन पे, तो इनको बहुत अच्छा लगता था, तो मैं सोचता था सही में बहुत पसंद होता होगा। बट शादी के बाद इन्होंने बताया कि मैं तो आपका गाना सुन के सो जाती थी। जब आप पूछते थे कि कैसा लगा तो आँख मेरी खुलते थे, मैं बोलती थी हाँ अच्छा लगा। तो बट मेरा नेचर है सर, मैं कहीं भी मतलब म्यूजिक रहे तो मेरे साथ रहता ही है। लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है कि गाना सुन करके कोई इतना अच्छा लगे कि सो जाए, नींद आ जाए। अभी सर मेरे बच्चे सोते हैं।